मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मैं आया हुआ था रॉयल एनफील्ड के शोरूम में और मुझे ये वाला एक नया मतलब बाइक जो आया तो वो इसका नाम है स्क्रैम 411। तो ये दिख गया और आपको बताता हूँ कि कैसी बाइक है और किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। तो आज सब आपको अभी आपके मैम आपका नाम बताएं। जी, मेरा नाम आरती सरदार है। आरती मैम अभी आपको बताएंगे इस चीज़ के बारे में, जो प्राइसिंग वगैरह सब बताएंगे। तो आपको अगर पसंद आता है तो आप इसको आकर खरीद सकते हो। तो मैम आप बताएंगे मतलब इसका फीचर्स एक्स्ट्रा क्या क्या है। जी, ये हिमालयन का नया वर्जन है। हिमालयन आपका ऑफ रोडिंग बाइक होता है, ये आप डुअल पर्पस यूज कर सकते हैं, ऑफ रोडिंग ऑन रोडिंग बोथ आप यूज कर सकते हैं। ये 411 सीसी का होता है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ। हाँ, ये यहाँ पे लिखा है 411 सीसी का होता है। और ये इसमें आपको 7 कलर्स आ जाएंगे। ग्रेनाइट में आपको 3 कलर आ जाएंगे, डुअल कलर और ये आपका मैट फिनिश में भी कलर्स आ जाएंगे। प्राइस में भी आपको अच्छा खासा प्राइस मिल जाएगा। आप लद्दाख के तक कुछ भी जाते हैं तो ये आप यूज कर सकते हैं। आप लद्दाख पसंद करते हो तो डायरेक्टली इसको ले लो, और अगर आप लद्दाख भी नहीं जाते हो टाउन में चलाते हो तो इसको भी ले सकते हो, क्योंकि ये डुअल पर्पज में होता है। तो मैम आप बताएंगे मतलब एक्स्ट्रा और क्या क्या चीज़ है इसमें। ये आपका कंफर्ट रहता है जी, हिमालयन में आपको जैसे कंफर्ट रहता है, हिमालयन से थोड़ा हाइट में आपको कम आएगी, सीट में थोड़ा मॉडिफाई किया गया है, ये देख सकते हो। मतलब सीट मतलब थोड़ा कंफर्टेबल सीट किया गया है। कलर का भी बहुत सारा ऑप्शन है आपको हिमालयन में, जो कलर से जी थोड़ा हटके ही कलर आएंगे। व्हाइट कलर में से ज़्यादा आपको रेड अट्रैक्ट करती है, मतलब रॉयल एनफील्ड ने नया कलर ऐड ऑन कर दिया इसमें, जो कि ये वाला व्हाइट और रेड में आपको मिल जाएगी। अच्छा, तो और इसमें क्या क्या फीचर्स हैं बताएंगे। और सर आपका डिजिटल, आपको मीटर भी डिजिटल में आ जाएगी। अच्छा, रॉयल एनफील्ड डिजिटल मीटर, डिजिटल मीटर सब मिल जाएगी। तो ये बाइक जो है ये मतलब 15 लीटर वाले टैंक के साथ आता है और 411 सीसी की बाइक है, और इसमें डिजिटल मीटर के साथ है, डिजिटल मीटर है इसमें, एंड हेलोजन हेडलाइट्स के साथ आते हैं जरा, और इसमें डुअल एबीएस भी है मतलब आगे और पीछे एबीएस दोनों में, जो कि सेफ्टी पर्पज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो फ्रंट के जो ब्रेक्स हैं वो 300 mm के ब्रेक्स हैं, और पीछे के रियर ब्रेक्स जो हैं वो 240 mm के ब्रेक्स हैं। ये ब्रेक देख सकते हो 300 mm का ब्रेक है, और पीछे वाले जो ब्रेक्स हैं वो 240 mm के ब्रेक्स हैं। तो और ये इसका डबल सस्पेंशन भी अच्छा है और कंफर्टेबल भी है, तो टाउन में चलाने के लिए थोड़ा अच्छा भी है, और माइलेज तकरीबन 838 के आसपास तो बता रहे हैं देता है। बाकी पता नहीं, वो राइड एक राइड करने के बाद ही एक्सपीरियंस करोगे तो ही पता चलेगा कि कितना मतलब माइलेज सही से मिलता है। और बाकी सारे तो मतलब आपको राइडिंग पे डिपेंड करता है, आप कैसे राइड करते हो। अगर हार्शली ड्राइविंग करते हो देन इट्स गोइंग टू बी द लेस वन। तो ये जो बाइक है और इसका जो इंजन है वो एयर कूल्ड इंजन है, एंड इसमें 5 गियर्स हैं, 6 गियर नहीं है, 5 गियर ट्रांसमिशन के साथ आता है। बाकी इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो 251,000 मतलब 2,50,000 के करीब है। और बाकी मतलब कलर पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें 7 कलर्स अवेलेबल हैं। अगर आप रॉयल एनफील्ड के शोरूम में आते हो और आरती मैम से कांटेक्ट करते हो, जिल्वरिन का नाम बताते हो, देन आपको कुछ डिस्काउंट्स एक्सेसरीज में मिल जाएंगे, देन यू विल टेक दिस बाइक विद सम डोप एक्सेसरीज एंड यू विल हैव फन। मतलब आप लेने के बाद जिल्वरिन को टैग करना, मैं आपको सारे पोस्ट में आपको देखूंगा कि आपने लिया है, देन मुझे खुशी होगी आप मेरे तरफ से अगर कुछ लेते हो तो। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और एक शेयर कर दो, बाकी उतना काफ़ी है। अगर लाइव आपको वीडियो पसंद नहीं आता देन आप डिसलाइक भी मत करो, छोड़ दो, ठीक है। और मिलते हैं फिर और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ और स्टे हेल्दी, दैट्स इट, बाय बाय। और ये जो शोरूम है ये यहाँ पे मतलब CRP के पास है, भुवनेश्वर में CRP के पास ही है, और आप आओ और देखो, कोई सा भी कलर पसंद आता है देन आप ले सकते हो स्क्रैम 411। इसका एग्जॉस्ट नॉट कुछ ऐसा है मतलब इस तरह का है। मैम हट जाइए, मतलब आवाज़ होगा।